महाराज प्रियव्रत के वंश में श्री भरत जी का प्रागट्य हुआ। भरत जी जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और भागवतकार कह रहे हैं, देवता प्रार्थना करते हैं, अहो कार्य शोभन, मैं नहीं, आप नहीं, देवता इस बात को कह रहे हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। वो व्यक्ति धन्य है, उस व्यक्ति का जीवन धन्य है जिस व्यक्ति को भारत की भूमि पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। देवता कह रहे हैं, प्रभु हम पर ये कृपा कब होगी? आपने हमको स्वर्ग दे दिया, लेकिन प्रभु ये स्वर्ग बड़ी बात नहीं है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोको पिन वैस सिव्यता। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वो वैकुंठ भी फीका है अगर उस वैकुंठ में गोविंद तुम्हारी कथा सुनने को न मिले। उस स्वर्ग में जाके भी हम क्या करें जहां हम इकट्ठे एक साथ बैठ करके आपके नाम की चर्चा न कर सके। हमारी क्या इच्छा होती है? हमारी इच्छा होती है मरणोपरांत हमको स्वर्ग मिल जाए। इसलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं? स्वर्गस्थ, स्वर्गीय। ये इसका मतलब हमने सोचा कि इनको स्वर्ग मिल जाए। पर जो स्वर्ग में बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, भगवान हमें स्वर्ग छुड़ा करके भारत भूमि में मानव बना दो, इंसान बना दो। क्योंकि जो आनंद उस भारत भूमि में है, वहां का जन्म लेकर के मानव बनने में है, वो दूसरा कहीं नहीं। आप कहोगे मानव योनि ज्यादा बड़ी है या देवता योनि? कौन सी, कैसे? फिर देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? अच्छा, एक उदाहरण से समझिए। एक राजा जी हैं। राजा जी ने अपनी प्रजा के सब लोग को इकट्ठा किया, आइए आइए सब, आइए सब, आइए सब, पहुंच गए। फिर राजा जी ने घोषणा की कि मेरे पास एक तरफ बहुत सारा लोहा है और एक तरफ बहुत सारी चांदी है, अब जिसको जो जो चाहिए वो उठा करके ले जा सकता है। जिसको चांदी चाहिए चांदी ले जाओ, जिसको लोहा चाहिए लोहा ले जाइए। अब आपको मौका मिले तो क्या लोगे? अभी हम तो सीधा सीधा बोलेंगे, सब उसी के ऊपर टूट के पड़ेंगे। चांदी मिल जाए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मौका मिले तो सही। अरे चांदी छोड़ो, आज जब कथा विश्राम होगी ना नंद महोत्सव पे, टोपियां बटेंगी तब देखना किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो ये तो चांदी है, सब भाग पड़े महाराज, हमें दो हमें दो हमें, सब भर भर के झोला झोला लेकर के अपने अपने घर चले गए। अब जब चांदी खत्म हो गई तो अब लोगों ने सोचा, अब जब खत्म ही हो गई तो चलो लोहा ही ले जाते, बाजार में थोड़ा बहुत कबाड़े में बेच देंगे तो कुछ तो मिलेगा।
तो जो बचे थे वो लोग लोहा लेके घर आ गए। फायदे में कौन सा है, लोहे वाला कि चांदी वाला? भावनाओं में मत भैया, लॉजिक के साथ बताइए। देखने में कौन सा है, चांदी वाला? चांदी जिसके पास है वो ज्यादा कीमती है। लेकिन अब क्या हुआ, अब राजा जी ने दोबारा घोषणा की कि भैया एक अद्भुत खबर है कि मुझे कहीं से अभी अभी पारस मणि मिली है। पारस मणि क्या करती है? लोहे को, जिस जिसके पास लोहा लेके आ जाओ। अब सारे लोहा लेके पहुंचे, राजा जी ने सबके लोहे को पारस मणि से स्पर्श किया और वो बन गया सोना। अब बताइए, अब कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, लोहा वाले कि चांदी वाले? लोहे वाले। वैसे ही मानव जीवन लोहे के समान है, देव योनि चांदी के समान है। जब मिली तो हमारी कीमत लोहे जैसी थी, क्योंकि हमको मानव योनि मिली और उनको देव योनि मिली। लेकिन बीच में एक चीज परिवर्तन हो गई जिससे सारी बाजी पलट गई, और वो क्या थी? उले जैसे लोहे वाले को पारस मणि मिल गई, वैसे मानव योनि को श्रीमद् भागवत रूपी पारस मणि मिली। इसके संपर्क में जैसे भक्त आए, जैसे मानव आए, अब उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो उपाधि है, वो देवताओं से भी बढ़कर हो गई। देवता तो स्वार्थ और सुख में डूबे रहते हैं, ये मैं नहीं भागवत कह रही, सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के उल्टा भगा दिया। देवता बन के भी क्या लाभ रहा अगर स्वार्थ मन से नहीं गया, डर मन से नहीं गया। देवताओं का राजा देवराज इंद्र है, लेकिन कितना डरपोक है मालूम है? अगर आपने अपने घर में कभी सत्यनारायण भगवान की पूजा कराई हो, या नॉर्मली भी कोई पूजा होती है, तो पूजा जब हो जाती है, पूरा कर्मकांड हो जाता है, तो उसके बाद पंडित जी थोड़ा जल डालते हैं नीचे और कहते हैं इसको लेके आंखों में लगाओ, और क्या बोलना है, शक्राय नमः, शक्राय नमः, शक्राय नमः। शक्र किसको कहते हैं? इंद्र को। इंद्र का एक नाम है शक्र। तो वो पूजा जब पूरी हो जाती है ना, तो ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि ऐसा मानना है इंद्र वहीं बैठा रहता है। क्यों? इसने जितने पूजा का पुण्य किया उसको चुराने के लिए बैठा रहता है, कि कहीं इसके पुण्य बढ़ते बढ़ते इतने ना बढ़ जाएं कि मेरी गद्दी ये छीन ले। इतना डरा है इंद्र, इतना डरपोक है, इसलिए वहां बैठा रहता है। इसलिए जब पूजा हो जाती है तब पंडित जी शक्राय नमः कराते, ताकि पूजा का जो पुण्य है वो चोरी ना, इंद्र चुरा के ना ले जाए। इतना इतना हृदय जिसका स्वार्थी हो, वो देवता बन भी जाए तो क्या लाभ है? इसलिए अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, हे प्रभु देवता कहते जन्म दो तो भारत भूमि में देना, और प्रभु देवताओं ने भारत भूमि कहा है, और मुझे अवसर मिले तो मैं तो ये कहूँ प्रभु हर जन्म जब भी देना तो अपने ब्रज का कोई एक छोटा सा जीव बना देना। आप कहोगे जी क्यों, गुजरात क्या कम है? गुजरात में मांग लो, बिल्कुल कम नहीं है। गुजरात में भी एक से एक बढ़कर महापुरुष है, एक से बढ़कर एक तीर्थ स्थान है, और हमारे ठाकुर जी भी ब्रज से द्वारिका आए हैं। लेकिन अब क्या बताएं, अब हमको आदत लग चुकी है राधे राधे की, अब राधा नाम जो है वो छूटता नहीं है, अब वो दिल में हृदय में चिपक गया है, और भगवान करे हर जन्म जन्मों तक वो श्री राधा नाम हृदय में बस बसा रहे। कभी ये मन, कभी ये दिल श्री किशोरी जी के चरणों से अलग ना हो, श्री ठाकुर जी के चरणों से अलग ना हो। वृक्ष भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, बंदर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगो। सूकर भी बनाना है तो भी भक्त कहता ब्रज का बनाना। ब्रज के वानर वैसे तो बड़े उत्पाती हैं, खूब उत्पाती हैं, इतने चालाक है, उनको पता है आपका चश्मा लेके
भाग जाएंगे, और जब तक उनको पीने के लिए जैसे जूस आता है ना, मैंगो जूस, भारत में ऐसे एक फ्रूटी आती है, तो जब तक वो फ्रूटी नहीं दो ना तो वापस नहीं लौटाते। कोई दूसरा सामान दे दो तो भी नहीं देंगे, वो फ्रूटी दोगे तो ही देते हैं। खूब उत्पाती है, लेकिन रसिक कह रहे हैं बानर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। हे ठाकुर, बंदर पशु पक्षी रज धूल जो बनाना है मुझे ब्रज का बना देना। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।